हेलो क्लास सिक्स इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 सेक्रीफाइस ऑफ सुनैना। तो पेज नंबर 29 तक मैंने करवा दिया है, जो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आगे का स्टार्ट करते हैं। टाइम पास्ड बाय, टाइम निकला, समय निकला। भानु वर्क हार्ड, भानु मेहनत करने लगा। एंड हिज फील्ड येड अबंडेड हार्वेस्ट, और उसकी खेत में बहुत ज़्यादा खेती हुई। ही गॉट मैरिड टू नविका, फिर वो उसकी शादी हो गई नविका से। हु वॉज प्रिटी, जो कि बहुत सुंदर थी। बट आ स्प्लॉइड डॉटर, लेकिन बिगड़ी हुई लड़की थी ऑफ अ वेल्थी फार्मर, अमीर किसान की। अ फ्यू वीक लेटर, कुछ हफ्ते बाद, केम द होली मंथ ऑफ श्रवण, श्रवण का महीना आता है। द होल विलेज स्टार्टेड प्रिपरेशन सेलिब्रेटिंग लक्ष्मी पूजा, पूरा गांव शुरू कर देता है तैयारी करना लक्ष्मी पूजा मनाने की। पर्टिकुलर दोज होम, यहाँ तक कि जो घर, वेयर दे वर न्यूली मैरिड, जहाँ पे नई नवेली शादी की लेडी से रहती हैं उनके, विमेन। ऑन दिस ओकेजन, उस दिन वुमेन आर स्पेशली इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट, उस दिन औरतों को बुलाया जाता है स्पेशली, मुख्य रूप से। द प्लेस ऑफ ऑनर, रिस्पेक्ट, इज्जत दे के, इज गिवन मैरिड डॉटर, दी जाती है शादीशुदा लड़की को। एंड सिस्टर, और बहनों को, हु आर कंसिडर वेरी स्ट्रीम, जिन्हें बहुत ही इज्जत से बुलाया जाता है। एंड रिस्पेक्टेबल गेस्ट, बहुत ही मेहमान बहुत ही सम्मान से बुलाया जाता है मेहमान के तौर पर। इट बिलीव दैट इफ़ अ गर्ल ब्लेस द हाउस, और ये माना जाता है कि अगर वो लड़की घर को आशीर्वाद देती है, देन इट विल बी हैप्पीनेस, फिर वो उसमें खुशियाँ होंगी। एंड प्रॉस्पेरिटी, और समृद्धि होगी। बट इट कर्स, देन स्पेल डाउन, लेकिन अगर उन्होंने श्राप दे दिया उससे, वो उसे दंड मिल सकता है। भानु रिमेंबर हिज प्रॉमिस, भानु को याद था उसका वादा। एंड टोल्ड हिज वाइफ अबाउट, उसने अपनी बीवी को बताया। नविका एग्रीड टू सेलिब्रेट लक्ष्मी पूजा, नविका मान गई लक्ष्मी पूजा को लैविशली, खुशी से। बट नो वन कंडीशन, लेकिन उसकी एक कंडीशन थी, एक शर्त थी। नविका इम्पोर्ट, नविका ने बोला, यू शुड नॉट इनवाइट योर सिस्टर, तुम नहीं बुलाओगे तुम्हारी बहन को। शी एक्सप्लेन, उसने बताया, यूर सिस्टर इज पुअर, तुम्हारी बहन बहुत गरीब है। एंड विल अराइव इन चीप ड्रेस, और वो आएगी बहुत गंदे से कपड़े, चीप ड्रेस स्टाइल, बहुत ही गंदे से कपड़े पहन के आएगी। दैट विल ब्रिंग अ शेम, जिससे हमें शर्म आएगी। एंड माई फैमिली विल लाफ एट मी, और मेरा परिवार मुझ पर हंसेगा। इफ दे विल गेट टू नो, अगर उन्हें मालूम पड़ गया दैट यू हैव अ सच पेनीलेस रिलेटिव, कि तुम्हारे इतने गरीब रिश्तेदार हैं। भानु फाउंड हर वाइव एक्सप्लेनेशन अप्रोप्रिएट, भानु को लगा कि उसकी बीवी सही कह रही है। एंड सो ही एग्रीड विदाउट एनी आर्गूमेंट, क्योंकि वो मान गया बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी लड़ाई के। ही डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट हिज रिच एंड प्रीटी वाइफ, वो नहीं चाहता था कि, वो उदास नहीं करना चाहता था अपनी बीवी को, अमीर बीवी को और सुंदर बीवी को। ही डिड नॉट इन्वाइट सुनैना, उसने नहीं बुलाया सुनैना को, निमंत्रण नहीं भेजा सुनैना को। इट वॉज द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ श्रावण, श्रावण का पहला दिन था। भानु हाउस वॉज फिल ऑफ फील्ड विथ पीपल, भानु का घर भरा था लोगों से। द मिंगल फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर, फूलों की खुशबू आई थी। इन एंस हंग ऑफ अ हाउस, घर में फूल टंगे हुए थे, फूलों की माला टंगी थी, हंग मतलब लटके हुए थे। द एरोमा स्पाइसेस, तरह तरह के मसालों खुशबू आई थी। वॉज ब्लोइंग इन फ्रंट ऑफ किचन, खुशबू कहाँ से आ रही थी, किचन से आ रही थी, फ्रॉम द किचन, किचन से आ रही थी। कुक स्पेशल कुक्स हैज बीन इंगेज, मुख्य रूप से उन्होंने अच्छे हलवाई मंगाए टू प्रिपेयर
टू प्रिपेयर अ वैरायटी ऑफ डिलीशियस की तरह तरह की चीज़ें बनाने के लिए। एज अ गेस्ट मेहमान के तौर पे पोर्ट इन उन्हें बुलाया गया। दे आर वेलकम विद गार्लैंड ऑफ फ्लावर, उन्होंने सबका स्वागत फूलों से किया। एट द हाइट ऑफ फेस्टिविटीज, त्यौहार के मौके पर सुनैना अपीयर्ड, सुनैना दिख गई। नविका प्रिटी फेस टर्न पेल, नविका का सुंदर सा चेहरा पीला पड़ गया। नविका वॉज कैरिंग अ बिग सिल्वर बॉल कंटेनिंग प्रसाद, नविका पकड़ी थी एक बड़ी सी चांदी का कटोरा पकड़ी थी जिसमें प्रसाद रखा था, कंटेनिंग रखा था, क्या रखा था उसमें, प्रसाद। शी वॉज गोइंग अराउंड द रूम, वो घूम रही थी कमरे में, गिविंग प्रसाद दे रही थी टू द गेस्ट मेहमानों को। सुनैना केम अप, सुनैना आई एंड हग्ड नविका, उसने गले लगाए नविका। यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो नविका। वेयर इज़ माई ब्रदर, नविका मेरा भाई कहाँ है। इट गिव मी ग्रेट हैप्पीनेस, वो मुझे ये मुझे बहुत खुशी दी। दैट ही नेवर ब्रोक हिज प्रोमिस टू मी, कि इससे मुझे खुशी हुई कि उसने मेरा वादा नहीं तोड़ा। आई नो यू मस्ट हैव बीन वेरी बिजी, मुझे पता है तुम बहुत ही व्यस्त होंगी। एंड फॉरगेट टू इनवाइट मी, और भूल गई मुझे निमंत्रण देना। इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम नो गेस्ट, मैं कोई मेहमान नहीं हूँ। आई डू नॉट हैव टू वेट, मैंने इंतज़ार नहीं किया फॉर अ इन्विटेशन, निमंत्रण का, टू कम आने के लिए टू माई ओन ब्रदर हाउस, मेरे ही भाई के घर। सुनैना वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ अ सर्टन साइलेंस इन द रूम, सुनैना को नहीं पता था कि एकदम से ये कमरे में इतनी शांति क्यों हो गई। नविता रिच फ्रेंड स्निगर, नविका के अमीर दोस्त मुंह बनाए लगे। नविका फेल्ट डिसग्रेस, नविका को अपमान सा महसूस आया। एंड भानु वॉज अशेम, और भानु को भी शर्म आई। दिस वेंट ऑन 7 ईयर, ये चला 7 साल तक। ईच ईयर, हर साल नविका परफॉर्म लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पूजा करती है ऑन द लेविज स्केल, अच्छे से। 100 ऑफ गेस्ट अटेंड, 100 से भी ज़्यादा लोग आते हैं। एंड फीस्टेड सेम्पटसली, बहुत ही धूमधाम से पार्टी करते हैं। सुनैना वॉज नेवर इन्वाइटेड, सुनैना को कभी भी निमंत्रण नहीं दिया जाता है। बट शी ऑलवेज कम, लेकिन वो हमेशा आती थी। शी वुड अराइव इन हर पैच अप क्लॉथ, वो आती थी अपने सिले हुए कपड़ों से। टेक प्रसाद और ना बनावली, और प्रसाद लेती थी बनाने की केले के पत्तों में। एंड टॉक चीयरफुली टू भानु, और खुशी से भानु से बात करती थी। एंड नविका से। एंड डिपार्ट ओनली आफ्टर शी हैड ब्लेस्ड देम, और जब भी जाती थी जब वो उन्हें आशीर्वाद देती थी। द एनुअल इवेंट वॉज एम्बेरसिंग बोथ, फॉर बोथ नाविका एंड भानु, वो आखिरी उन दोनों को बहुत शर्म आती थी, नाविका और भानु को बहुत शर्म आती थी ये देखकर। ड्यूरिंग द टाइम, समय के साथ सुनैना हस्बैंड वर्क हार्ड, सुनैना के पति ने बहुत मेहनत करी टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसके परिवार का साथ देने। सुनैना वॉज क्वाइट कंटेंट विद अ लिटिल दे हैड, सुनैना संतुष्ट थी, जितना थोड़ा बहुत भी था वो खुश थी। हर हस्बैंड बिजनेस बिगेन टू बी फ्लॉरिश, उसके पति का व्यापार पनपने लगा। द टाइम वॉज कम्प्लीटली चेंज, समय बुरा बदल गया। एंड मनी बिगेन टू इंक्रीज स्टेडली, और पैसा बढ़ता गया नियमित। एंड दे सून बिकम वेरी वेल्दी, और जल्दी वो बहुत ही अमीर हो गए। नाउ सुनैना स्टार्ट लिविंग इन अ लार्ज हाउस, अब सुनैना बहुत बड़े घर में रहने लगी। ड्रेस इन अ कोस्ट लिस्ट क्लैथ, और कपड़े बहुत महंगे कपड़े पहन लगी। नाउ शी हैड मैनी सर्वेंट, अब उसके पास बहुत नौकर थे। एंड रोड अबाउट अ फाइन कैरेज, और उसके पास अच्छी बग्गी थी ड्राइवन चलाने के लिए। फोर ग्लीमिंग वाइट हाउस, और जिसमें 4 घोड़े थे। बग्गी मतलब वो जो परियां जाती है ना, वो घोड़ों में, सफ़ेद घोड़ों में, वैसे ही वो जाती थी। भानु एंड नविका केम टू नो सुनैना न्यूली अपटेन रिचेस, भानु और नविका को जब मालूम पड़ा कि सुनैना बहुत अमीर हो गई है। वेन द मंथ ऑफ श्रावण ड्रू नियर, जब श्रावण का महीना आया, नविका सेड टू हर हस्बैंड, नविका ने अपने हस्बैंड से कहा, गो टू सुनैना हाउस, जाओ सुनैना के घर, एंड इन्वाइट हर, और उसे निमंत्रण दो। एंड हर फैमिली टू द पूजा, और उसके परिवार को पूजा के लिए। एंड डू नॉट गो एम्प्टी हैंडेड, और खाली हाथ मत जाना।
टेक हर सम स्वीट, उसके लिए कुछ मिठाई ले जाना, एंड कोकोनट और खोपरा। आफ्टर ऑल आखिरकार शी इज़ योर एल्डर ब्रदर, वो तुम्हारी एल्डर सिस्टर, वो तुम्हारी बड़ी बहन है। सो भानु वेंट टू सुनैना हाउस, तो भानु गया सुनैना घर एंड इन्वाइटेड हर पर्सनली, और उसे पर्सनली बुलाया, पर्सनली मतलब खुद से जाके बुलाया। सुनैना वेलकम हर ब्रदर, सुनैना ने स्वागत किया अपने भाई का अफेक्शनेटली, खुशी से, एंड प्रॉमिस टू अटेंड द फंक्शन, और वादा किया कि वो फंक्शन में आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।